एनके सिंह जी, सर मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ। नोटबंदी के समय भी हम लोगों ने परचर्चा की थी, आपसे बातचीत की थी। देश देश सहमा हुआ है, और मजे की बात तो यह है कि जिन्होंने फैसला लागू किया वो इसकी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, वो इसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आज के फैसले के बाद क्या माना जाए? खुशी का दिन होगा उनके लिए, दुख का दिन होगा, और फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था पर कब तक और कितना असर पड़ेगा? संजय नहीं, बीजेपी कैसे इसको लेती है ये एक अलग टॉपिक है, और बीजेपी के लिए बड़ा बूस्ट है ये, बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के पसीने छूट गए थे जब एक्सेप्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको देखना शुरू किया, और जो सवाल पूछे गए दौराने बहस, जिस तरह का कोर्ट का रिएक्शन था उससे ये लगता था कि नई चीजें बीजेपी के फेवर में नहीं है। वैसे इसको शुरू करने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो शख्सियत बैठे हैं, जो हैसियत इस समय आपके इस स्टूडियो में बैठे हैं, ये देश की एक रत्न है, और इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के समझ में मैंने इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं देखा है, और इनके पैरों के पास बैठ के हम सीखे हैं। लिहाजा मेरी कोई तारीफ गलती से भी ना कीजिएगा इनके सामने, हम लोग सब लोग इनसे सीखे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो एक पहला तो ये, इसमें एक चीज होती है जजमेंट में, जब कोई भी बड़ा जजमेंट आता है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जो जजमेंट्स होते हैं, उसमें सिर्फ उसका दो दो पार्ट होते हैं किसी भी जजमेंट के, ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो जो होता है वो पार्ट होता है जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, एक्चुअल जजमेंट होता है, और बड़े चूंकि जजमेंट होते हैं तो जजेस को यह भी बताना पड़ता है कि हमने क्यों ये फैसला दिया। तो उसमें जो ऑबिटर होता है वो व्यापक होता है, और उसमें वो बताता है हम इन इन फैक्टर्स पे दे रहे हैं। मैंने इसको गौर से जजमेंट पढ़ा, मुझे ताज्जुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 4:1 का ये फैसला है, और आप जानते हैं कि जिस तरह जस्टिस रत्नम ने इसको इसको खारिज किया है, नागरत्नम ने, वो पॉइंट्स अगर आप देखें, इसका जो माइनॉरिटी जजमेंट है जो केवल एक महिला जज थी बेंच में, उन्होंने दिया है, तो अगर आप वो देखें तब आपको केस एक्चुअली समझ में आएगा कि केस में इश्यूज क्या थे। बाकी जो 4 मेंबर का जजमेंट है जिसको कि जस्टिस गवई ने लिखा है, आप उसको गौर से पढ़ें, आपको ताज्जुब होगा कि कोर्ट का इतना फ्लॉड जजमेंट हमने नहीं देखा है, इतना फ्लॉड जजमेंट है। और कई जगह तो मुझे ये लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट है या ये किसी कोई एक एक जैसे कि एक्स्ट्रा माइल्स जा रहा है इसको जस्टिफाई करने में। मुझे ताज्जुब हुआ जब हम जो एक पोर्शन पढ़ा उसमें, जिसमें सब उसने ये कहा है मेजोरिटी जजमेंट पे 4:1 में कहा है, इन 1978 इस असल में इशू क्या था कि कांग्रेस, चिदम्बरम का ये कहना था कि साहब हम लोगों ने भी किया था, हम लोगों ने 46 में किया, 78 में किया, लेकिन साहब ड्यू पार्लियामेंट में लॉ बना के किया गया। तो इसका काउंटर आया दूसरी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि अरे साहब लॉ तो इसलिए पास किया था कि आरबीआई राजी नहीं था, इसलिए लॉ किया है, कोई बड़ा भारी वर्चुअस काम नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है, वो कहा कि साहब ये तो देखिए कितना टाइम दिया है इस मोदी सरकार ने कि डीमोनेटाइजेशन करने के बाद नोट एक्सचेंज करने के लिए 57 दिन दिए, लेकिन वो कांग्रेस वाले गवर्नमेंट 3 दिन दिया था साहब, फिर एक्सटेंड करके 5 दिन किया। तो कांग्रेस वाले उनका वो लॉजिक तो गलत है, ये कह के उसने जस्टिफाई किया है। अब एक और सेंटेंस सुनिए, कहा कि नहीं सर प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ है, कंसल्टेशन प्रॉपर है। यहां पे पूछिए उनसे कि तुम ये भूल गए, इस बेंच को हमें लगता है कि इतना फ्लॉड जजमेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं, मेरे मेरा चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, मैंने इतना फ्लॉड जजमेंट नहीं देखा। सेक्शन 26B बहुत क्लियर दिखता है, इतना क्लियर कुछ हो नहीं सकता, और ये शुद्ध ऑर्डिनरी अंग्रेजी में है। सेक्शन 26B ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट नो रिकमेंडेशन, रोशनी कुछ गड़बड़ है, दैट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड
सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच एंड सच डेट एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन शैल सीज टू बी अ लीगल टेंडर. अब जरा देखिए वर्ड क्या यूज किया है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, इसके रिकमेंड वर्ड रिकमेंडेशन है, चीख चीख के ये कह रहा है कि रिकमेंडेशन इसका जाएगा. कोर्ट जजमेंट में क्या लिखता है, नहीं सर प्रॉपर कंसल्टेशन हुआ था. यहां कंसल्टेशन नहीं होना है, रिकमेंडेशन होना है. आपने मान लिया रिकमेंडेशन हो गया, वो प्रोसेस जरा देखिए कैसे रिकमेंडेशन हुआ है. उसमें भी एक्स्ट्रा माइल कोर्ट जा रहा है. कोर्ट कह रहा है साहब 6 महीने पहले से ये बात चल रही थी आरबीआई से, एक दिन नहीं 6 महीने से बात चल रही थी. जबकि अखबारों ने अभी 2 हफ्ते पहले दिया है कि जो सरकार का आरबीआई का एफिडेविट है उसमें कुछ फैक्ट सप्रेस किए गए हैं कि क्योंकि आरबीआई ने इत्तफाक नहीं रखा था, और बाद में गवर्नमेंट के दबाव में ये रिकमेंडेशन हुआ है. कोर्ट इस फैक्ट को इग्नोर कर गया. अब आप याद करिए कहा गया है प्रॉपर कंसल्टेशन, यही कोर्ट है जिसने कि कंसल्टेशन वर्ड की जब डेफिनेशन की जजेस के अपॉइंटमेंट पे कंसल्टेशन को, तो कहा कि नहीं साहब कंसल्टेशन कॉन्करेंस होता है. सिर्फ कंसल्टेशन का मतलब यह नहीं है कि मैंने संजय से कंसल्ट किया, माना नहीं माना हमारी मर्जी है. यहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं साहब कंसल्टेशन हुआ था. अरे जनाब कंसल्टेशन नहीं होना था, नो रिकमेंडेशन चाहिए था. आप ये ना कीजिए कि कंसल्टेशन हुआ था. दूसरा ये फ्लॉ है, मुझे मैंने पहली बार देखा है कि कोर्ट कितना एक्स्ट्रा माइल्स गया है गवर्नमेंट के इस एक्ट इस पूरे पॉलिसी को. अब दूसरी बात क्या है कि साहब एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाती है ये कोर्ट के परव्यू के बाहर है. जनाब आप ही तो हैं जो 142 में कहते हैं कि हमारे पास निर्बाध शक्तियां हैं, हम अपनी शक्तियां खुद डिफाइन करते हैं. तो यहां पे आपके पास फिर आपने कहा 6 महीने से डिस्कशन हो रहा, तो आपने आरबीआई का कॉलर क्यों नहीं पकड़ा कि भैया 6 महीने से जब तुम्हारा ये सब कुछ हो रहा था तो तुम्हें इतनी अकल नहीं थी कि जब नोट चेंज करो तो एटीएम का साइज बढ़ा दो. तुम्हें इतनी समझ नहीं आई 6 महीने में कि एटीएम लोग तड़प तड़प के मरने लगे, बूढ़े लोग लाइन में खड़े होके, क्योंकि वो नोट डालते थे नोट निकलता नहीं था, क्योंकि आपने जो 2000 का नोट किया उसका साइज डिफरेंट था, छोटा था, लिहाजा एटीएम हाँ. को चेंज करना था. अगर 6 महीना अब तो तुमने आरबीआई का कॉलर पकड़ लिया होता कि मूर्ख आदमी, तुमने 6 महीना कंसल्टेशन किया और 6 महीने में इतनी अकल नहीं थी कि जब नोट चेंज करोगे तो आरबीआई का वो जो एटीएम का फॉर्मेट है वो चेंज होना चाहिए. तो दूसरा ये है. तीसरा जो सबसे बड़ा फ्लॉ था, जो इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिसी तो नहीं डिसाइड की जा सकती. बड़ा बढ़िया नागरत्नम ने कहा है कि जनाब ये पॉलिसी वाली सी तो हम नहीं देख सकते. ये बात सही है कि इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स का मामला है, ये एक्सपर्ट ही देख सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉमन मैन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तब तो साहब हम देख ही सकते हैं. ये क्या अकल बाकी 4 में नहीं थी, ये विजडम उनके ऊपर डाउन क्यों नहीं किया, व्हाई डिड इट नॉट डाउन अपॉन देम कि हाँ ये फंडा, क्योंकि वो बूढ़ा जो मरा है आपकी एक गलत पॉलिसी से, सिर्फ इसलिए कि आपने एटीएम का साइज बड़ा छोटा नहीं किया उसके डॉकेट का, ये किसके ऊपर जाएगा. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप पढ़े तो फ्लॉड है. मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये जजमेंट बड़े मजाक से पढ़ा जाएगा कि साहब एक सुप्रीम कोर्ट था जिसने ये जजमेंट दिया था. आगे जो घटनाएं होंगी वो तो हम आगे देखेंगे. मुझे लगता है हमने टाइम ज्यादा ले लिया है. प्रोफेसर अरुण कुमार बैठे, इसलिए हम इससे ज्यादा बोलेंगे तो बदतमीजी होगी, और हम लोग चाहेंगे कि वो बताए कि ये क्या है एंड हाउ ही परसीव्स इट. जो बात अरुण प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कही कि 80 करोड़ की जनता को इस समय राशन देना जरूरी भी है, मैं भी मानता हूं इस बात को, किसी इंसान को भूखा नहीं छोड़ा जा सकता. लेकिन ये देश में हालत बने क्यों? हम तो कह रहे थे हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा सरकार अच्छी चल रही है, इतनी नीतियाँ अच्छी हैं कि हम हर एक को रोजगार दे देंगे, हर एक को काम दे देंगे.
तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई? 8 साल हो गए सरकार में, 8 सालों में क्या हम ऐसा मॉडल डेवलप नहीं कर पाए कि 80 करोड़ की जनता को रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, आत्मनिर्भर भारत बन जाए? चूक कहाँ हो गई? संजय प्रोफेसर साहब ने तो बता ही दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको और स्पेसिफाई कर दूं। ये कुल संख्या 81.35 करोड़ की है जिनको कि ये मिलता है। फ्रॉड क्या हुआ है कि अभी पिछले हफ्ते जब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, तो बड़ी खूबसूरती से उसने जो 5 किलो कोरोना काल में फ्री अनाज दिया जाता है उसको खत्म कर अच्छा दिया, बड़ी अच्छा खूबसूरती से उसने मर्ज कर दिया इसका, हाँ उसको हटा दिया। लेकिन ये हटाए चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं 9 राज्यों में, तो ये बात कहे कैसे कि हमने 5 किलो आज से बंद कर दिया? तो जो 2 और 3 रुपए लेती थी वो हर हर 5 किलो पे, और एक परिवार पे मान लीजिए 6 आदमी है तो 30 किलो, तो ये जो लेती थी इसको उसने धीरे से वो पैसा लेना बंद कर दिया, क्योंकि उसे कुछ आता नहीं था। 2 रुपए किलो अगर आप चावल दे रहे हैं, 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, तो टोटल उसमें 13,500 करोड़ सरकार को मिलता था। तो बड़ी खूबसूरती सोचने के, नहीं नहीं ये वाला नहीं लेंगे। तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, कि भाई तो इसका मतलब आपने ये 5 किलो फ्री वाला बंद कर दिया? बोले नहीं नहीं मर्ज कर दिया है। हम सर खुजला रहे थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, तो हमने कहा कि कितना मूर्ख बनाया है कि ये नहीं डिक्लेयर कर रहे कि वो 5 किलो फ्री बंद कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब इसको मर्ज करके और 2 रुपए जो लेते थे वो भी नहीं लेंगे, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अब उसको कितना मिल रहा है? इस पूरे मद में 3 स्कीम्स हैं, तो एक तो खत्म कर दिया। अब ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्कीम एक है, दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना AAY। AAY में 1 करोड़ परिवार है और इसमें 81.35 करोड़ लोग हैं। इस तो कुल में खर्चा जो आता है वो 2 लाख करोड़ का होता है, जिसमें 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ अब बच जाएंगे। तो सरकार को जो इस समय खर्च देना पड़ रहा है वो है 1,00,000 करीब 85,000 करोड़, 87,000 करोड़ इतना खर्च हो रहा है। इसको अगर आप, मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेट किया, 81.35 से डिवाइड किया तो ये 7 रुपया रोज आता है। एक आदमी प्रतिदिन औसत, मजदूर को छोड़ दीजिए, हालांकि ये मजदूर के लिए है, 400 ग्राम अनाज उसकी जरूरत होती है। ये आदमी, ये जो दिया जा रहा है ये आधा पेट है, 175 ग्राम से थोड़ा कम है जो प्रतिदिन दिया जा रहा है। अब आपकी चिंता क्या है संजय? आपको हम कहेंगे कि ये सवाल फिर से एक बार गहराई से सोचिए, ताकि भविष्य में ना करें कभी सवाल ये वाला कि साहब आने वाला बंद कर दिया जाए। 2 लाख करोड़ आपको लग रहा है कि पूरी इकोनॉमी बैठ गई है। आपने उसी सवाल में पूछा था कि 10 लाख करोड़ वेव कर दिया गया, ये हजम करके बैठ गए बड़े लोग, तो 2 लाख बड़ा है या 10 लाख करोड़ बड़ा है, कौन सा बंद किया जाना चाहिए? 10 लाख और ये दो बिल्कुल लाख आपका करोड़ इसलिए है, आधा पेट इसलिए है कि हमने एक भिखमंगा समाज खड़ा कर दिया है जो कटोरा लेके खड़ा रहता है और आधा पेट खाता है, तो कमबख्त ना काम करने जाता है ना वो भरपेट खाना खा के आराम से सोता है। आधा पेट है उसकी चिंता ये, उसको बड़ा खूबसूरती से आधा पेट खाना खिलाया जाता है और राम मंदिर दिखा दिया जाता है, देखो बन रहा है ना, कितना खूबसूरत बन रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो अब वो नशे में है, आधा पेट खा के बेचारा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। आज CMI की रिपोर्ट है कि 16 महीने में इस दिसंबर में सबसे ज्यादा रोजगार बेरोजगारी बढ़ी है। इशू तो ये होना चाहिए ना। तो लिहाजा 7 रुपए दे के आप अडानी को, जब आप हर घंटे 90 करोड़ दे देते हैं अंबानी को कोरोना काल में, तब किसी को दर्द नहीं होता कि ये कौन सा इंडस्ट्री धुआं उगल रही है जिससे 90 करोड़ इसका हर घंटे आमदनी बढ़ रहा है। लेकिन वो जो आदमी, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं एक झटके से कोरोना में के आते आते, उसका दर्द वो इसमें आ जाता है कि साहब ये 2 लाख करोड़ तो साहब ये बिना पै, अरे आप इतना न दीजिए बल्कि उसको पूरा खाना दीजिए, और आपके पास अनाज है, आपके पास अनाज, आपके चूहे खा रहे हैं, चूहे नुमा अफसर खा रहे हैं, आप जाके देखिए कितना अनाज है।
इस साल का जो एस्टिमेट है अगर आप उसको देख लेंगे तो चौंक जाएंगे। गेहूं काफी अच्छा होने जा रहा है, चावल तो उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इरेटिक मौसम था, कहीं बारिश ज्यादा हुई कहीं कम हुई, तो चावल का प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है, लेकिन गेहूं हमारा बहुत साथ देने जा रहा है इस साल। और हमें, मेरी अपनी उम्मीद है, मेरा अपना एस्टिमेट है कि करीब 110 मिलियन टन गेहूं होने जा रहा है। आप आराम से चार पूरा पेट उसको खाना खिला सकते हैं, सिर्फ 2 लाख करोड़ नहीं, 4 लाख। और आप देखिए इस साल जो रेवेन्यू का आपका रिकॉर्ड, सोचिए जरा, ये भारत जिसमें एक तरफ शिमला में ट्रैफिक जाम हो गया है, जो अभिजात्य वर्ग है उसके न्यू ईयर सेलिब्रेशन से आधे कपड़े पहने पूरा का पूरा समाज मॉलों में घुसा हुआ है, और इसको आप उभरता भारत कहते हैं, और ये मानता है आपका युवा के साथ भारत बड़ी तरक्की कर रहा, ये तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए 15 मिनट में गर्म पिज्जा आ जाएगा आपके घर पे, इसको वो भारत का विकास मान रहा है। लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि सीएमआई की रिपोर्ट है कि 16 महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि सीएमआई जो आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो कह रहा है कि साहब हमारी परचेजिंग बढ़ी है, हमारा मतलब हमने इन्वेंट्री ज्यादा खरीदी है, तो ज्यादा खरीदी तो गया कहां। तो आप समझ सकते हैं कि भयंकर बेरोजगारी है, और जो अरुण जी बता रहे हैं मतलब वो एक एक, एक चिंता का विषय है इस देश के लिए। लेकिन हमारा डिस्कोर्स कहाँ चला गया, हमारा डिस्कोर्स इस पे चला गया है कि साहब मॉल में देखिए कितनी तरक्की हो रही भारत में, सारे युवा मॉल में है।